हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यानी हम बात करें कि जब फीटस का डेवलपमेंट शुरू होता है तो उस टाइम वहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन्स डेवलप होती है जिन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरियोन जो यहाँ फीटस के चारों तरफ एक कवर बना रही है जिसे आप रेड कलर से डिनोट किए हैं। एलेंटोइस जो यहाँ देख सकते हैं छोटी सी येलो कलर की एक छोटी सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। एमनियोन जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, और ये यहाँ ग्रीन कलर का जो है ये योक सैक। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी डेवलप होती है जब फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब स्टार्टिंग में जो तीन लेयर बनी थी जिसे हमने नाम दिया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, उनके जब नेक्स्ट स्टेज आती है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कोरियोन, एमनियोन, फिर आर्केंट्रोन कैविटी बिल्कुल मिडिल के अंदर, यहाँ एमनियोटिक फोल्ड देखने को मिल रहा है बीच के अंदर, यहाँ योक प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ ये योक सैक, एलेंटोइज ये छोटी सी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये कह सकते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती है क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेप बन रही है ये है अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो की शेप, यानी एम्ब्रियो यहाँ डेवलप होगा। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या फिर फीटल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड, यानी चार यहाँ पर भ्रूणीय झिल्लियाँ बनती है या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले एमनियोन, तो एमनियोन जो है यहाँ पर डेवलप हो रही है और एमनियोन जो है अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो के चारों तरफ। दूसरी जो है एलेंटोइस, तो एलेंटोइस जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ जो उसे कवर कर रही है पूरे को, एलेंटोइस। नेक्स्ट योक सैक, यानी योक के चारों तरफ जो प्रेजेंट है उसे योक सैक, और उसके बाद है कोरियोन, तो कोरियोन जो है पूरे को कवर कर रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर चार ये मेम्ब्रेन डेवलप होती है। डेवलपमेंट ऑफ फर्टल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हेल्प टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, मैकेनिकल शॉक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो इन चीज़ों के अंदर ये मेम्ब्रेन यहाँ फीटस की हेल्प करती है। द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिफरेंट फॉर्म दैट इन द अदर एमनियोट्स। हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है अदर एमनियोट्स से। द एपीब्लास्ट एडजसेंट टू ट्रोफोब्लास्ट माइग्रेट अवे फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मिंग द एमनियोटिक कैविटी। आप देख सकते हैं एमनियोटिक कैविटी बन रही है, बाहर की जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स प्रेजेंट है वहाँ से थोड़ा सा माइग्रेशन के बाद में एमनियोटिक कैविटी बनना शुरू हो जाती है। इसके नीचे आप देखें तो एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट फिर हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है। द लाइनिंग ऑफ द एमनियोटिक कैविटी इज मेड अप ऑफ सेल एमनियोब्लास्ट डिराइव फ्रॉम द एपीब्लास्ट, यानी एपीब्लास्ट से ही इनकी फॉर्मेशन होती है। द एमनियन इज फिल्ड विद वाटर जिसे हम एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। तो याद रखेंगे ये एमनियोटिक फ्लूड वही है जो एमनियोसिंथेसिस, यानी अपन कह सकते हैं जो गैर कानूनी भ्रूण जांच में भाग लेता है फ्लूड, वो यही था। यानी हम कहें कि बच्चे का सेक्स पता करने के लिए इस फ्लूड का यूज़ किया जाता है इलीगल तरीके से। हालांकि इसका यूज़ किया जाता था कि बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है, बच्चे का डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो रहा है, उसमें इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल इसे इलीगल तरीके से यूज़ करने लग गए हैं। तो ये एमनियोटिक फ्लूड जो है यहाँ फिल रहता है। द हाइपोब्लास्ट इज पुश्ड डाउन फॉर्मिंग द लाइनिंग ऑफ कैविटी कॉल्ड योक सैक। आप देख सकते हैं यहाँ पर योक सैक यानी एक थैली जैसी स्ट्रक्चर बन चुकी है क्योंकि हाइपोब्लास्ट जो है यहाँ इसे पुश करके बनाती है। नेक्स्ट, द कोरियोन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर फॉर्म्ड बाय द प्रिमिटिव एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट
and an inner by somatic mesoderm, extra embryonic mesoderm, from which the chorionic cavity is formed. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फीटस है उसका डेवलपमेंट हो रहा है और चारों तरफ विली जैसी स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ, जिसे हम कोरियोन कह सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसे पूरे तरीके से कवर किया जा रहा है, तो कवर करने के बाद में फीटस अंदर डेवलप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये फीटस का डेवलपमेंट। द ट्रोफोब्लास्ट जो इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है, सोमेटिक मीजोडर्म प्रेजेंट है। द कोरियोन अंडर गोज रैपिड प्रोलीफ्रेशन ऑफ सेल एंड फॉर्म कोरियोनिक विली। याद रखेंगे कोरियोनिक विली की फॉर्मेशन कोरियोन से हो जाती है। तब डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बाहर प्लेसेंटा जो कि बच्चे की नेवल से जाके जुड़ती है, बीच में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसके बाहर छोटी सी एक पतली सी लेयर जो प्रेजेंट है कोरियोन, और उससे निकल रहे हैं कोरियोनिक विली, बीच में ब्लू कलर का एमनियोटिक फ्लूड जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। द कोरियोनिक विली इन्वेड द एंडोमेट्रियम एंड हेल्प द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फर्टल ब्लड। हम कह सकते हैं कि ये जो कोरियोनिक विली है ये जुड़े हैं दोनों के कनेक्शन से, मतलब अपन कह सकते हैं बच्चे के साथ भी और मदर के साथ भी, तो वहाँ से मदर से ब्लड से न्यूट्रिशन लाकर बच्चे तक ट्रांसफर करते हैं, यानी फीटस जो है वहाँ तक उसे ट्रांसफर करते हैं। द कोरियोन सराउंड द एम्ब्रियो एंड अदर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ एम्ब्रियो जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर डेवलप हो रहा है, कोरियोन ने कवर कर रखा है जितनी भी बाकी की मेम्ब्रेन्स हैं उनको। सून ए फोर्थ मेम्ब्रेन कॉल्ड एलेंटोइन डेवलप एज द आउटग्रोथ फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक हाइंड गट। जो अपन कह सकते हैं कि जो चार नंबर की जो मेम्ब्रेन है एलेंटोइन, ये बाद में डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो देखिए द मेम्ब्रेन ऑफ द एलेंटोइल मीट द इनर सरफेस ऑफ कोरियोन एंड फॉर्म ए हाईली वेस्कुलराइज रीजन कॉल्ड एलेंटो कोरियोन, यानी अब उससे जुड़ कर क्या बना लिया एलेंटो कोरियोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बाहर वाली कौन सी थी कोरियोन, और जो बीच में एक लेयर और बन रही है ग्लीन कलर की उसे एलेंटोइन कहते हैं, दोनों आपस में जुड़ कर क्या बनाएगी एलेंटो कोरियोन। एलेंटो कोरियोन कॉन्ट्रीब्यूट द फर्टल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। बिल्कुल आप देख सकते हैं अम्बिकल कॉर्ड और ये जो ग्रीन कलर का रीजन है ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, और सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है कोरियोन, जो ब्लू कलर है जहाँ पर अपन कह सकते हैं फ्लूड फील है एमनियोन, ये एम्ब्रियो बीच के अंदर, और ये ग्रीन कलर की लेयर जो बन रही है ये एलेंटोइन। तो इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट ए मोर इफेक्टिव एंड एफिशियंट पार्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट रेस्पिरेटरी गैसेस हार्मोन एंटीबॉडी बिटवीन द फीटस एंड मदर बाय 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है क्योंकि मदर से ये फीटस के अंदर जा रही है क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट शो होना है। ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस रीजन ऑफ थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर डेवलप इन टू रूडिमेंट ऑफ ऑर्गन। तो यहाँ तीन जो जर्म लेयर है वो यहाँ बहुत सारे ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लूड दैट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्वर एंड prevent the embryo from desiccation. Number 1 pleural fluid, number 2 cerebral fluid, number 3 amniotic fluid or chorionic fluid. तो हमारा सही आंसर है amniotic fluid. The chorion develop a rich supply of blood vessel and form a intimate association with somatoplayer, splenocanoplayer, मेसेंटो प्लेयर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा सही आंसर है स्प्लेन कैनो प्लेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलपमेंट के समय हेल्प करती है। तो ये था हमारा टॉपिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन।